Today we are going to discuss about pronoun. So in this video, our main focus will be on what is pronoun and how many kinds of pronoun are there. So as you know, pronoun is a word which is used in the place of a noun. Pronoun वह शब्द है जो किसी नाम के स्थान पर प्रयोग किया जाता है. जैसे इसकी डेफिनेशन देखेंगे, अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन. तो प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाम के स्थान पर प्रयोग किया जाता है. मोहित इज एब्सेंट, मोहित आज एब्सेंट है तो ये नाउन है मोहित. मोहित इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल, क्योंकि वह बीमार है. तो मोहित की जगह पर जो भी शब्द आया वो हमारा क्या हुआ, हमारा प्रोनाउन होगा. ठीक है, और एग्जांपल देखेंगे. सचिन इज अ ग्रेट प्लेयर, ही इज इंडियन. तो सचिन के स्थान पर कौन आया, ही आया, तो ही क्या हुआ, ये प्रोनाउन हुआ. सचिन क्या हुआ, सचिन नाम हुआ और ही हो गया आपका प्रोनाउन. आई नो मिस्टर मनीष चौधरी person, तो मिस्टर मनीष चौधरी नाउन है और उनके स्थान पर ये ही जो शब्द हुआ है वो प्रोनाउन है. उसी तरह से सीता केम हियर and she taught me. अब सीता नाम है और उसकी जगह पर जो भी शब्द यूज हुआ है वो प्रोनाउन है. अब काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की हम बात करते हैं, तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में आपको इसके डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स मिलेंगे. कुछ डिस्प्यूट है, कुछ कंफ्यूजन है, मैं कोशिश करूंगा वो आपकी सब कंफ्यूजन दूर हो जाए. इसके लिए आप वीडियो पूरा देखिएगा. यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि लेटेस्ट वीडियोज आप तक पहुंचते रहे. तो जनरली जो प्रोनाउन के काइंड्स होते हैं वो आपका अधिकांश जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उसमें आपको इसके काइंड्स दे रखे हैं 8. लेकिन कुछ किताबों में आपको 10 मिलेगा, कुछ में 9 मिलेगा, कुछ में 11 मिलेगा. कंफ्यूजन क्यों है वो आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं. मैक्सिमम आपको 11 मिलेगी, जैसे आपका रिसेंट में भी 11 दे रखे हैं, कई किताबों में 11 दे रखे हैं. तो आप ये कंफ्यूज होकर सर बड़ो घट कैसे रहे हैं, तो वो आपको मैं समझाता हूं कैसे घटते हो बढ़ते हैं. पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन, इसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, व्यक्तिवाचक सर्वनाम. ओके, दूसरा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसे हम कहते हैं निजवाचक या स्वयंवाचक, स्वयंवाचक या निजवाचक. तीसरा एम्फेटिक प्रोनाउन, इसे कहते हैं दृढ़ता सूचक, दृढ़ता सूचक. चौथा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसे कहते हैं विभाग सूचक, विभाग बोधक, बोधक शब्द लग जाता है. रेसिप्रोकल प्रोनाउन को कहते हैं परस्पर बोधक या परस्परवाचक, परस्पर सूचक. चलो इंटरव्यूटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम, सर्वनाम तो सबके आगे है, आप ऐड करोगे. रिलेटिव प्रोनाउन, इसे कहते हैं संबंधवाचक,
पहले से प्रोनाउन अधिकार सूचक, इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक, डोमेस्टिक प्रोनाउन संकेतवाचक और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन विस्मयबोधक। ये आपके पार हो गए। अब समझेंगे ये घट और बढ़ कैसे जाते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एक पार्ट है एम्फेटिक प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको एक रिफ्लेक्सिव से एम्फेटिक बना है, उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव से ही बना है आपका। तो ये दोनों एक आपके हो गए और डिस्ट्रीब्यूटिव से ही बना है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और इधर पजेसिव और रिलेटिव एक ही होते हैं। अब आप देखेंगे कि इनमें से जो जेन्युइन है वो एक होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक ही हैं, तो इनको हम कम करेंगे तो एक यहां से कम होगा, एक यहां से कम होगा, एक यहां से कम होगा, तो आपको जो ओरिजिनली हैं वो आपको एट मिलते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट किसी अगर बुक में आपको इसको मिक्स कर दिया जाएगा, इसको मिक्स कर दिया जाएगा, इसको मिक्स कर दिया जाएगा, तो आपको एट रह जाएंगे। किसी एक को मिक्स नहीं किया जाएगा तो आपको टेन रह जाएंगे। तो इस वजह से ये कंफ्यूजन आपको होती है कि प्रोनाउन कई बार घट जाते हैं, कई बार बढ़ जाते हैं, क्योंकि ओरिजिनली एट होते हैं और उनको आपको बढ़ा दिया जाता है। अब प्रोनाउन को समझने के लिए एक टेबल आपके सामने मैं प्रेजेंट करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको मैं इन सभी प्रोनाउन को डिटेल में पढ़ाऊंगा।